लास्ट ईयर दोस्तों इंडिया में एक अलग किस्म की हवा चल रही थी और ये हवा थी हैशटैग मीटू कैंपेन की। अब इस कैंपेन के अंदर दोस्तों बहुत बड़े बड़े नामचीन डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और बहुत सारे लोग आए थे बेसिकली, ठीक है। अब ऐसे में आपको बताना चाहता हूँ कि अब इसी हैशटैग मीटू के चक्कर में दोस्तों आमिर खान साहब ने अपने प्रोडक्शन हाउस के हवाले से ये बात कहा था कि आमिर खान कोई भी ऐसी फिल्मों में काम नहीं करेंगे जिसका जो व्यक्ति होगा वो इस कैंपेन के अंदर हो या फिर औरतों के प्रति जो हिंसा होती हो उसमें शामिल हो। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर जो इस फिल्म के डायरेक्टर मोगुल फिल्म के डायरेक्टर होने वाले हैं यानी कि सुभाष कपूर, तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं हैशटैग मीटू में ये बातें चल रही थी। अब आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आमिर खान साहब ने फाइनली डिसीजन ले लिया है और सुभाष कपूर के साथ वो काम करने के लिए हामी भर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि आमिर खान साहब अब मोगुल फिल्म के अंदर जो कि गुलशन कुमार जी की बायोपिक होने वाली है, जो कि टी सीरीज के कर्ता धर्ता रह चुके हैं, उनके फाउंडर रह चुके हैं, गुलशन कुमार जी के पिताजी हैं, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी खबर आई है और ये बात हमें पता चली है। एंड यहाँ पर ये भी कहा गया है कि कोर्ट की तरफ से जो भी डिसीजन लाया उसी का ही रिस्पेक्ट करके आमिर खान ने इतना बड़ा कदम उठाया है। सो ऑल यू क्रेजी फैंस आउट देयर, मिस्टर परफेक्शनिस्ट एक फिल्म तो कर ही रहे हैं लाल सिंह चड्ढा, उसके अलावा वो सुभाष कपूर की फिल्म यस यू गेस इट राइट मोगुल में भी आएंगे और गुलशन कुमार जी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। आपको क्या है कहना, कितने एक्साइटेड हैं? इन सारी बातों को कमेंट सेक्शन में बोल डालिए। बने रहिए चैनल के साथ, राहुल भोज इसी तरीके की चटपटी बातें आप लोगों को बताता रहेगा।